को हम नेक्स्ट हम करते हैं एम सी क्यू ईयर का और उसमें यह है कि पेज नंबर सेवन पे आपका एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको दिखाया हुआ है सुप्रा मेडियल ट्राइंगल इसका दूसरा नाम होता है मैक्यू वानस ट्राइंगल ठीक हो गया अब उस, उसमें जो इन्होंने दिखाया हुआ है ना वो इस तरह से दिखाया हुआ है ये कि इंटीरियर ये ये एक ट्राइंगल बन रहा है ठीक है इसका इंटीरियर बॉर्डर होता है इंटीरियर बॉर्डर होता है सुपीरियर बॉर्डर होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ठीक है ये इंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है और ये सुपीरियर साइड है तो एंटीरियरली आपको क्या मिल रहा है इसमें कि वंस ट्राइंगल या सुपर सुप्रामीटल ट्राइंगल आ, में क्या मिल रहा है एंटीरियरली वी हैव द सुप्रामीटल स्पाइन ठीक है हम कह सकते हैं कि जो हमारा है एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल उसका पोस्ट्रोसपीरियर पार्ट है ठीक है एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल जो हमारी है जहाँ से हमारा कान अंदर जाएगा उसके पोस्ट्रोसपीरियरली जो है ना इसका एंटीरियर बॉर्डर बनता है ठीक है और इसके अलावा जो जपरा मेस्ट्रॉयड क्रेस्ट होती है ये इसका सुपीरियर बॉर्डर बना रही होती है और फिर हम क्या करते हैं कि सुपीरियर बॉर्डर भी हमने बना लिया हमने इंटीरियर बॉर्डर भी बना लिया इंटीरियर बॉर्डर हमने बना लिया एक्सटर्नल ऑडिट के नाल जो है उसके पोस्टर सुपीरियरली और सुपीरियर बॉर्डर हमने बना लिया मेस्ट्रॉइड क्रेस्ट सुप्रा मेस्ट्रॉइड क्रैस्ट से हो गया अब इन दोनों की जो हमने लाइन जब ज्वाइन कर देंगे तो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर बन जाएगा तो टेंजेंट हम ड्रा करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल मतलब ये एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल है तो इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि इसकी लाइन में आ रहा होता है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है तो इस तरह से ये जो ट्राइंगल बन जाता है इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है सर्जरी में कि जब हमने मेस्ट्रॉयड की सर्जरी करनी होती है तो यहां से हम अंदर जाते हैं और मैस्ट्रॉयड एंट्रम को लोकेट करते हैं मतलब इसके अंदर जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलता

अटिको एंट्रल आपका जो है टॉपिक है ऑन द पेज नंबर पेज नंबर सेवेंटी फाइव ठीक हो क्या वहाँ पे जो टेबल बना हुआ है डिफरेंस बिटवीन द टूबोटिपेनिक टाइप आंदा एटीको एंट्रल अटिको एंट्रल में जो डिस्चार्ज लिखा हुआ है दैट इज़ अ स्कांटी स्कॉटी है बहुत कम सा डिस्चार्ज है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोलेंट है मतलब पस के साथ बढ़ा हुआ है और फॉल स्मेलिंग है स्मेल आ रही है उसमें से तो ये क्या होता है इट मीन्स दैट ऑफेंसिव है ठीक है कि ओफेंसिव मीन्स के जिसको हम मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है कि हम उसको सुन नहीं सकते सु मतलब नहीं सकते ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ऑफेंसिव होता है तंग करता है सो दिस इज दिस विल बी द विदी एंड ऑफेंसिव इन केस ऑफ कोलेस्टिटोमा एंड कॉलेस्टिटोमा इज एसोसिएटेड विद अटीको एंट्रल टाइप ऑफ क्रॉनिक सेपोरेटिव टाइटस मीडिया ठीक हो गया उसके बाद आता है आफ्टर मेस्टो ऑपरेशन फेशियल नर्व पैरिस वॉज ऑब्जर्वड आफ्टर रिकवरी फ्रॉम एनजीसिया इसके लिए आपके पास पेज नंबर है वन हंड्रेड फाइव जहाँ पर लिखा होगा आपके पास के फ्रैक्चर्स ट्रामा की वजह से फेशियल नर्व जो होती है वो खराब हो जाती है तो फ्रैक्चर्स ऑफ द टेम्पोरल बोन में लिखा हुआ है नीचे कि हम जो है जब भी कोई सर्जरी वगैरह कर, कर रहे होते हैं टाइम बोन ब्रोन में अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है या आगे ईयर और मेस्ट्रॉइड सर्जरी लिखा हुआ है उसमें भी क्या होता है फेशियल नर्व हमारी इंजर्ड हो सकती है तो हमने क्या करना होता है हमने क्या करना होता है कि उसी वक्त नीचे लिखा हुआ है डिलेड ऑन सेट मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फेशियल पैरालिसिस जो है डिले हो जाता है मतलब हमने सर्जरी कर ली या ट्रामा हो गया तो अगर पैरालिसिस में थोड़ा सा वक, वक्फा आ गया तो हम क्या करते हैं उसको बेल्स पालसी की तरह ट्रीट करते हैं कंजर्वेटिव मतलब दवाइयों शवाइयों से ठीक है लेकिन अगर हमारा जो ऑनसेट है वो इमेजिएट है इमेज इमिजिएट ऑनसेट ऑफ द पैरालिसिस मे रिक्वायर्ड सर्जरी इन द फॉर्म ऑफ डी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर उस अभी उन्होंने मेस्टो की है मीन डैट अभी उन्होंने मेस्ट्रॉइड एक्ट की है ठीक है मेस्ट्रॉइड वगैरह का ऑपरेशन किया है लेकिन उसी के साथ ही क्या हो गया जैसे ही अभी पेशेंट एनेस्थीसिया से रिकवर हुआ है इमीडिएट उसी वक्त क्या हो गया फेशियल नर्व की परालिस हो गई है तो हम क्या करेंगे हम उसी वक्त जल्दी जल्दी खोलेंगे सर्जिकली और उसकी डीकम्प्रेशन करेंगे ठीक है उसकी जल्दी जल्दी डिकम्प्रेशन करेंगे तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे हम स्टेरॉयड्स वगैरह नहीं देंगे हम सर्जिकली एक्सप्लोरेशन जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद नहीं करेंगे हम स्टेरॉइड्स जो है वो नहीं देंगे और पैक वगैरह ये सब कुछ नहीं करेंगे हम उसी वक्त खोलेंगे सर्जिकली उस जगह को और उसी वक्त हम क्या करेंगे वहाँ से जो है वो उसकी फेशियल नर्व की डिकम्प्रेशन कर देंगे देन आता है मोस्ट कॉमन ऑफेंडिंग माइक्रोबियल एजेंट इन द क्रॉनिक्स ओटाइटिस मीडिया अब एक्यूट सपोरेटिवाइटस मीडिया में हमेशा याद रखना है कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म मोस्टली इन्वॉल्व होता है वो स्ट्रेप नमूनी होता है ठीक है स्ट्रेप नमूनिया होता है ठीक है और क्रोनिक क्रॉनिक सपोरेटिटाइटस मीडिया में आपके पेज नंबर में लिखा हुआ है सेवेंटी सिक्स ठीक है वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोनिक सपोरेटिटाइटस मीडिया में मिक्सड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं बैक्टीरियोलॉजी लिखी हुई है कि पस कल्चर में हमें एरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी मिल रहे होते हैं एनरोबिक भी मिल रहे होते हैं और मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स मिल रहे होते हैं तो उसमें से कॉमन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स सूडोमो सूडोमोनाज है प्रोटियस है इकोलाई e. है स्टेफोरियस है और एनारोब्स में वी हैव द बैक्टीरियोइड्स एंड एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई ठीक है तो इसमें से सबसे पहले जो उन्होंने नाम लिया है कॉमन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में वी हैव द सुडोमोनास ठीक है वी हैव यहाँ पे हमारा सुडोमोनास भी है इकोलाई e. भी है स्ट्रेप निमोनिया भी है और इसके अलावा वी हैव द हिमाफलिस इन्फ्लुन्जी ठीक है हिमाफ्लिस इन्फ्लुन्जी इन्होंने नहीं लिखा हुआ और एनरोब्स ये सारे होते हैं मतलब हिमोफिलस है, के अलावा इन्होंने जो है सारे लिखे हुए हैं लेकिन उसमें से जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है सूडोमोनास ठीक है सूडोमोनास ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में जबकि अगर बात करें एक्यूट सपोरेटाटोटाइटिस मीडिया में तो वो होगा सेपटोकोकस नमोनिया ठीक हो गया उसके बाद हम देखते हैं द मोस्ट मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर द मेरिंग मेरंगॉटमी अब आपके पेज नंबर फोर फिफ्टी थ्री पे जो है मेस्टोई सॉरी मेरंगोटमी जो है उसके बारे में लिखा हुआ है फोर फिफ्टी थ्री पे ठीक है मेरंगोटमी की जो इंडिकेशनस हैं वो उन्होंने बताई हैं कि हम एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में और ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन में एरो ओटाइटिस मीडिया में और एटेल्टेटिक एयर में ठीक है इसमें जो है हम क्या करते हैं कि मिरंगॉटिमी परफॉर्म करते हैं ठीक हो क्या और ये एक्चुअली क्या है मतलब मिरंगॉटिमी हम क्या करते हैं हम टिम्पैनिक मेमोरियन में होल कर देते हैं ताकि वो जो मिडल ईयर में सारा इकट्ठा हुआ हुआ चीज़ें वो बाहर आ जाए ना तो अब उन्होंने इसमें कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि हम मोस्ट कामन लेकर इसमें परफॉर्म करते हैं लेकिन उन्होंने बताया हुआ कि ए एस ओ एम के अंदर हम मोस्टली क्या करते हैं हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं फिर हम ट्रीट करते हैं ना उसमें ज़्यादातर और में, में हमें कुछ ऐसी uh, चीज़ें होती हैं जिसमें हमें परफॉर्म करनी पड़ती है लाइक like अगर पेशेंट um, को बहुत ज़्यादा दर्द है उसकी टिम्पेनिक मेमरेट बहुत ज़्यादा बल्ज कर रही है पेशेंट जो है वो um, उसको दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा या उसने कॉम्प्लिकेशन्स क्रिएट कर लिया या रिकरेंट है मतलब कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिनमें हम एस जो है ना वो उसमें परफॉर्म करते हैं अदरवाइज़ हमें मिरंगॉटमी जो है वो एस ओ में एस में करनी पड़ती ठीक है उसमें हम दवाइयों से ट्रीट कर लेते हैं उसको ठीक है लेकिन uh, मेनियर्स डिजीज़ में तो हम बिल्कुल भी मरंगॉटमी का कोई काम ही नहीं है मेनियर्स डिजीज़ में आपको पता है कि वो इंडोलिम्स ज्यादा हो जाता है अंदर प्रॉब्लम होती है इनर ईयर की इसमें टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्या काम है ठीक है उसके बाद एक्यू ओटाइटिस में मीडिया में मैंने कहा ज़्यादातर दवाइयों से ठीक हो जाता है हीमोटेपेना मतलब ब्लड है टिम्पेनिक में अंदर ठीक है तो ब्लड का हमने क्या करना है वो भी नहीं होगा ऑटोसिक्लोरोसिस तो का कोई लिंक ही नहीं है इसके साथ स्टेपिस की फुट प्लेट अंदर हराब है तो हमने उसके साथ क्या करना है तो इसमें क्या आ गया ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन ठीक हो गया साथ में हम ग्रोमेट इन्जर्जन कर देते हैं जिससे कॉन्टीन्यूसली जो फ्लोइड होता है वो ड्रेन होता रहता है फिर आता है स्टेपिडेक्टमी स्टेपिडेक्टमी जो होती है हम उसमें उसमें किस में करते हैं ना तो ये हम ऑटोसेक्योसेज में करते हैं ठीक है अब तो देखिए उन्होंने आंसर में लिखा हुआ रिकावर टिमपेनोसेक्यस ठीक है ये तो नहीं हो सकता टिम्पेनोसेक्यरोसिस में खुद देखें कि क्या हो रहा है जो 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 टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्कारिंग हो रही है और उसकी वजह से ये वाइटिस सी हो गई है और ये ज़्यादातर होती है कि रिकरेंट अगर मिडल ईयर के इन्फेक्शनस हो रहे हो या हमने ग्रोमेट इंसर्ट किया हो तो उसकी वजह से स्कार बन जाता है सारी टिम्पे टिम्पेनिक मेब्रेन पर ना तो ये दिस इज़ एक्चित टिम्पेनोसेकुलरोसिस और स्पेट स्टेपिडेक्टिम ही क्या होती है कि हम स्टेपीज को रिमूव करके उसकी जगह हम लगा देते हैं वो 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 हम ऑटोसेकुलरसिस में करते हैं टिम्पेनोसेरोस में तो नहीं करते ना स्टेपडेक्टमी जो होगी वो हम किस में इंडिकेट करेंगे ऑटोसिक्लोरोसिस में इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है अगर पूछा जाए ऑटोसिक्लोरोसिस का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है तो दैट इज स्टेपेडेक्टमी ठीक है तो आ, बाकी तो हो ही नहीं सकते मेस्टोइडक्टमी इज़ अ प्रोसीजर टू अब मेस्ट्रोडिक्टमी होती क्या है अब ये कन्सेप्ट आपका सिर्फ नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ मेस्ट्रॉइड के काम को सही करना है ठीक है मेस्ट्रोइेक्टमी सिंपल भी होती है ठीक है और मतलब कॉर्टिकल होगी सिंपल कॉर्टिकल होगी या ये रेडिकल होती है ठीक है या ये मॉडिफाइड रेडिकल होती है तीन तरह की मेस्ट्रोइडक्टमी होती है मेस्ट्रोइडिक्टी सिंपली मीन्स कि आप मेस्ट्राइड अप्रोच ले रहे हो और सर्जरी कर रहे हो इन केस ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया ठीक है उसमें क्या हो रहा है कान भी सारा पास के साथ भर गया हुआ है वहाँ से सारे हमारे जो है मिडल ईयर सारा कान से भर गया है फिर उधर से हमारी पीछे की तरफ आया है और मेस्ट्रॉयड को भी इन्वॉल्व कर लिया है अब मेस्ट्रॉइड हमने क्या करना है हमने मेस्ट्रॉइड एक्टिवी करनी है उसमें हम सिंपल मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्टिकल होती है उसमें जस्ट हम मेस्ट्रॉइड ईयर सेल्स को कर रहे होते हैं साफ़ ठीक है और फिर रेडिकल होती है रेडिकल में हम अंदर जाते हैं मिडल ईयर की तरफ और वहाँ से उसको सारा सही साफ़ करते हैं ठीक है मिडल ईयर और सेल्स वगैरह को निकालते हैं और उनकी सारी रिपेयर करते हैं और मॉडिफाइड में ये होता है कि हम उसकी हयरिंग मेकनिज़म को प्रिजर्व रखते हैं साथ में ठीक है जो पेशेंट्स की जा रही थी इन केस ऑफ रेडिकल तो ये एक्चुअली क्या था एक्चुअली मैंने आपको इसके बारे में सारा एक्सप्लेन किया था तो ये इसलिए किया जा रहा होता है कि हमारे जो कॉम्प्लिकेशन हैं सी एस एस एम की मीन्स दैट एक्स्ट्रा क्रेनियल इंड्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन में भी डिस्कस्ड अबाउट के क्या क्या हो सकता है पीट्रोसाइटस हो सकता है और फेशियल नर्व की पैरालिसिस हो सकती है लेबरनाइथस हो सकता है आपका मैस्टोडाइटस हो सकता है इसके अलावा एंट्राक्रीनल कॉम्प्लीकेशन हो सकती हैं इन विच वी हैव डिफरेंट जो कि एप्सिज um, हैं और इस तरह का सारा मैन वगैरह उसको उसको प्रिवेंट करना है हमने ठीक है तो उसके लिए फिर हमने ये सारा प्रोसीजर परफॉर्म किया अदरवाइज़ हम पड़े रहने देते दे पास को अंदर ही कि तुम रहो अंदर ही पास तो पास को उधर से निकालना इसलिए है वो सारी चीज़ें हमने इसलिए सही करनी है ताकि वहाँ से वो स्प्रेड होकर उधर ना जाए सिंपल सी बात है तो मिनिमाइज़ द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सी एस ओम अगर किसी को मैस्ट्रॉयड एक्टिमी का नहीं पता होगा तो वो सिंपली इसको करेगा कि मैंने मैस्ट्रॉयड निकाल एप्स निकालनी है ठीक है तो दिस इज एक्चुअली द मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सी एस होम स्क्रीनिंग टेस्ट टू डाइग्नोज द हियरिंग प्रॉब्लम्स इन द न्यू नेट्स इज से देख लेते हैं हम इसके जो आता है क्वेश्चन भी यू क्यू भी आता होता है कि मैथड्स ऑफ हियरिंग असेसमेंट इन द इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन में आप क्या मेथड्स यूज़ करते हो तो उसके लिए वैसे तो आपने उसकी डिटेल नहीं लिखनी होती और उनके सिर्फ आपने नाम लिखने होते हैं लेकिन नाम जो है उनको रट्टा मारना इज़ नॉट अ थिंग ठीक है और रट्टा मारा पिछड़ा भूल जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ना पिक्चर्स के थ्रू याद होना चाहिए क्या होता है एग्जैक्टली उनमें और उसमें ये होता है कि सबसे पहले हम इसी तरह याद रखते हैं मैंने जो याद रखा हुआ है उसको इससे याद रखा हुआ है कि वी हैव द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ए ठीक है ए जो होगा ना वो इस तरह से कर लें ठीक है ए होगा फिर हमारे पास बी है सी है ठीक हो गया फिर डी है ठीक है और इसमें से जो एक्चुअली सी है ना इसके साथ मैं एस को रख लेती हूँ और ए को जो है मैं ओ बना लेती हूँ और ओ को मैं बना लेती हूँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स ठीक है ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स बी को मैं बना लेती हूँ इसमें बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ठीक है बिहेवियर ऑब्जर्वेशन और सी और एस में से सी जो है दिस इज़ एक्चुअली द कंडीशनिंग टेक्निक्स ठीक है कंडीशनिंग टेक्निक्स होती हैं और एस फॉर स्क्रीनिंग ठीक है स्क्रीनिंग टेक्निक्स होती हैं और डी फॉर डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स तो इस तरह ये सारी इसकी हेडिंग्स याद हो जाती हैं और फर्दर हम लिख लेते हैं सो दिस इज़ एक्चुअली ए बी सी डी ऑब्जेक्टिव टेस्ट बिहेवियर रिस्पॉन्स एंड सी इज एक्चुअली द इज 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 कंडीशनिंग टेक्निक्स दैन द स्क्रीनिंग टेक्निक्स डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स the ठीक हो गया तो इसमें से जो स्क्रीनिंग टेक्निक्स है ये हम सबसे पहले देखते होते हैं स्क्रीनिंग टेक्निक्स क्या होती हैं स्क्रीनिंग आपने सीमेंट में भी पढ़ा हुआ है हम स्क्रीनिंग करते होते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं कि वेदर ये देखने के लिए कोई बहरा तो नहीं पैदा हुआ उसको देखने के लिए ठीक है क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा छोटा सा बच्चा ये और इन्फेंट है तो उसको अभी वो पैदा हुआ है तो साथ में हमने उसको जो है चेक करना है स्क्रीनिंग करनी है उसकी न्यू नेटल स्क्रीनिंग करनी है ठीक है तो न्यू नेटल स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ए बी आर एंड ओ ईज ठीक है इसमें सबसे पहले आता है ऑटो अकाउस्टिक अमीशंस ऑटो अकाउस्टिक अमीशंस ठीक है ऑटो अकाउस्टिक अमीशंस तो ये क्या होंगे एक्जैक्टली इस तरह का ये होता है डिवाइस होती है इसको हम कान के साथ लगाते हैं और आपको पता है कि वी हैव दिस वन कि इसमें क्या होता है आउटर हेयर सेल्स होते हैं इसकी थ्री रोज़ होती हैं और इनर हेयर सेल्स होते हैं जिसकी एक रो होती है यही होता है ना अब हमने क्या देना होता है सिग्नल्स देने होते हैं बाहर से और वो इधर आके हमें चेक करना होता है आउटर हेयर सेल्स को टकराते हैं सिग्नल और वापस जाते हैं ठीक है, है. तो एक्जैक्टली uh, exactly होता क्या है कि दिस इज़ अ मैकेनिज्म हम बाहर से साउंड दे रहे हैं वो अंदर जा रही है कॉकलिया में जा रही है आउटर हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करती है फिर वहाँ से सारे इनर हेयर सेल्स से, से सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं दिस इज़ नॉर्मल ठीक है अब होगा क्या कि जो आउटर हेयर सेल्स होंगे वहाँ से वो टकरा के वापस आएगी और जो है एग्जैक्टली exactly वो हमें बताएगी कि वेदर जो आउटर हेयर सेल्स हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये पूरे पैथवे में जो प्रॉब्लम है वो चल रही होती है वो बता देती है आउटर हेयर सेल्स तक ठीक है मतलब कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में मिडल ईयर में और आउटर हेयर सेल्स तक का जो सारा पैथवे है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही तो आउटर हेयर सेल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को मिडल ईयर में इफ़्यूजन है ठीक है या उसके किनाल के अंदर कोई मिकोनियम फंसा हुआ है ठीक है उस दौरान और जो कि तीन से चार दिन रहता है उसके बाद ठीक हो जाता है और मतलब कि कोई मिकोनीम होता है वो बाहर निकल जाता है ना उसकी वजह से भी ये आउटोमिकोस्टिक मेशन जो होती हैं वो थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाती है मींस दैट कोई पाथवे में ब्लॉकेज तो नहीं है उसकी वजह से जो है एक्चुअली डिफनेस जो है वो हो सकती है ना पेशेंट को बच्चे को तो अब ये हमें चेक करना होता है इसमें यह भी हमें पता चल जाता है वैसे तो अक, आ, जो है अभी हमारी यहाँ तक सिग्नल्स जा रहे हैं आउटर हेयर सेल्स तक ठीक है यहाँ तक हमें सारा डिटेक्शन होगी दिस इज एक्चुअली द पोर्शन ऑफ द दॉकलिया तो यहाँ पे जब सिग्नल स्ट्रक्चर वापस जाएंगे तो हमें बता देंगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को आउटर हेअल का कोई मसला नहीं है लेकिन उसको फिर भी डेफनेस है मतलब फिर भी वो बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मतलब हमें फिर भी पता है कि उसको हियरिंग लॉस है लेकिन हमें आउटर हेयर सेल्स तो कोई ख़राबी नज़र नहीं आई इससे हमें ये पता चल जाता है कि आउटर हेयर सेल्स से आगे प्रॉब्लम है मतलब हमारी एयरस नर्व में प्रॉब्लम है तो ये जो आउट आउटोकोस्टिक मिशन होती हैं इनसे हमें ये भी पता चल जाता है कि एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज़ वेयर मतलब कि आउटर हेयर सेल्स से प्रॉब्लम है या हमारी नर्व में कोई प्रॉब्लम चल रही है ठीक है तो ये बात होती है तो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग कि हमने ऑटो इकोस्टिक मिशन में क्या किया बाहर से साउंड सिग्नल्स दिए जो आउटर हेयर सेल्स तक जाएंगी वहाँ से टकरा के वापस आएंगी और फिर हमें उसे पता चलेगा कि वेदर द पेशेंट इज़ डेफ और नॉट बच्चा जो है वो स्क्रीनिंग कर लेंगे इससे हम तो वो हम इसे करते होते हैं और फिर दूसरा होता है हमारे पास ऑटो एकोस्टिक मिशन के बाद भी हैव दिस वन ए बी आर ठीक है ए बी आर इज एक्चुअली क्या होता है ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ठीक है क्या है द ऑडिटरी ब्रेन रिस्पें ठीक है इट इज़ एक्चुअली द ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ठीक है ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम मीन्स के जो आपके पीछे ब्रेन स्टेम है जहाँ पे सारा मतलब uh, हमारे सी एन एस के साथ हमारी नर्व कनेक्टेड है एर्थ नर्व ठीक है उसको चेक करने के लिए कि पेशेंट को पीछे कोई ब्रेन स्टेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या होता है कि हम इसको चेक करते हैं फिर ए बी आर ठीक है ओ ए ई क्या था ऑटो इकोस्टिक मिशन हमारी uh, कोकलिया तक चेक रही थी और ये जो ब्रेन रिस्पॉन्स है एग्जैक्टली द साउंड स्टिमुलस विच इज़ प्रजेंटेड टू द ईयर एंड पिक्ट अप फ्रॉम द स्काल ठीक है जो स्काल्प होता है वहाँ से ये सारी साउंड पिक करते हैं और इसमें हमें पता चल जाता है कि पेशेंट जो है अगर वो थर्टी टू थर्टी फाइव डेसीपल्स तक की साउंड जो है वो ऑलमोस्ट सुन लेता है इट मीन दैट द पेशेंट इज़ नॉर्मल बच्चा नॉर्मल है ठीक है इससे हम जो है वो उसको सुनाते हैं और इस तरह से तो वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं मतलब वी हैव दिस डिवाइस इससे हमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है फिर होता है ये वैसे न्यू नेटल है तो uh, इसमें न्यू नेटल में वी डू दिस वन ठीक है न्यू नेटल में वी हैव दिस वन ए बी आर एन ओ एस ठीक है बच्चा पैदा हुआ है तो उसको स्काल्प के थ्रू सारा चेक किया और ये ए बी आर फिर एक होता है ना हमारे पास अराउजल टेस्ट होता है उसमें जस्ट ये होता है कि हम हाई फ्रिक्वेंसी पेशेंट को बच्चे को देते हैं साउंड और ये होता है ना हम हाई फ्रिक्वेंसी साउंड देंगे दो सेकेंड के लिए साथ ही बच्चा जो है वो सोया हुआ है तो उठ जाएगा ठीक है तो अगर तो हम टू सेकेंड्स के लिए हाई फ्रिक्वेंसी साउंड देते हैं और बच्चा उठ जाता है मीन्स दैट ही इज़ लिसनिंग ठीक है उसकी नॉर्मल हियरिंग है और अगर वो नहीं उठता इट मीन्स दैट कि वो मतलब जो है नहीं मतलब सही ना ये हो गया उसके बाद आता है ये ये भी उसी तरह होता है कि ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल होती है इसमें बच्चे को हम जो है क्रेडल में लटाते हैं इस तरह से और फिर जो है हम उसको साउंड देते हैं और फिर हम उसकी नोट करते हैं कि वो अपनी लिम्स को ट्रंक को तो नहीं मूव करा और उसके रेस्परेटरी रिस्पॉन्स वगैरह को हम मोनीटर करते हैं दिस इज़ एक्चुअली द थिंग तो ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं न्यू नेट्स के लिए जो भी बच्चा पैदा हुआ है उन्हें चेक करना है वेदर ही इज़ लिसनिंग प्रॉपर्टी ऑन नॉर्थ उसके लिए हम क्या करते हैं ए बी आर ओ एज करते हैं जिसमें ऑटो ऑटोकॉस्टिकमिशन हैं ऑडिटरी ब्रेन रिस्पॉन्स है अराउजल टेस्ट है और ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल होता है ठीक हो क्या अब ये जो होता है ना ये न्यू नेट्स के लिए मोस्टली परफॉर्म किया जाता है ठीक हो क्या अब हम दूसरी बात करने लगे हैं बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडिमेटरी ठीक है तो इसमें ये होता है कि ऐसे मोरोज uh, रिफ्लेक्स आपको पता है ये बच्चा ऐसे बच्चे ऐसे करते हैं जब uh, पैदा होते हैं तो मतलब ये सिक्स मंथ से काम में हम वैसे कर सकते हैं साउंड देते हैं एकदम से वो जो है ना अपनी मूवमेंट्स करते हैं लिम्स एंड एक्सटेंड करते हैं अपने हेड को इन रिस्पॉन्स टू द साउंड ऑफ द एटी टू नाइन्टी डी बी के डेसिबल्स तो इस तरह से जो साउंड के थ्रू ये एक रिफ्लेक्स शो करते हैं इसको हम कहते हैं मोरोज रिफ्लेक्स ठीक है हम क्या कहते हैं इसको मोरोज रिफ्लेक्स कहते हैं दिस इज़ एक्चुअली द बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडिमेट्री और ये हम सिक्स मंथ से कम बच्चों में कर सकते हैं और इन्फेंट्स uh, के लिए मोस्टली ये की जाती है मोरोज रिफ्लेक्स ठीक हो गया ये आपने लिखना होता है अंडर द हेडिंग ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडिमेट्री क्योंकि इसमें हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे का ठीक हो गया इसके अलावा ये मोडोज रिफ्लेक्स के बाद जो आता है दिस इज़ द एक्चुअली द कॉकली ओपल पेबरल ठीक है इसमें हम पेशेंट बच्चा जो है सोया होता है या इस तरह से तो एकदम से जो हम आ, मतलब आ, सोया तो नहीं होता ये होता है कि काकली ओपल पेबरल होती है कि हम एक्चुअली चेक कर रहे होते हैं कि अगर हमने उसको लाउड साउंड दी है बच्चे को ये सोया हुआ था या इस तरह से लेटा हुआ था तो एकदम से वो क्या करेगा उस साउंड के थ्रू वो ब्लिंक करेगा ठीक है ब्लिंक करेगा ऐसे करके ब्लिंक करेगा ये साउंड कैसे आगे जैसे हम नहीं करते एकदम से डर जाता है बच्चा तो को, उसको कहते हैं कॉकलीओ पलपेब्रल रिफ्लैक्स ठीक है कि ऐसे ब्लिंक करेगा इन रिस्पॉन्स टू द हाई फ्रिक्वेंसी या हाई लाउड साउंड ठीक हो गया तो ये होता है उसके बाद आता है वी हैव द ये भी उसी में आ जाती है और मोरज रिफ्लेक्स भी हम इसको कह सकते हैं और इसके अलावा हम कॉकलियो पल्पेब्रल भी इसमें आ जाती है कि वो सडन ब्लेंकिंग करता है फिर ये होता है सजेशन रिफ्लेक्सेस में ये होता है कि हम लाउड साउंड देते हैं तो बच्चा जो है वो आ, क्या करता है रोना शुरू कर देता है ठीक है दिस इज़ एक्चुअली द सजेशन रिफ्लेक्स और इसमें इन रिस्पॉन्स टू नाइन्टी डेसिबल्स हम चेक करते हैं ठीक है कॉकलो भी हम इसमें ही कर रहे थे नाइन्टी डेसिबल्स में मोरोज रिफ्लेक्स भी नाइन्टी डेसिबल्स में तकरीबन कर रहे थे तो इसमें बच्चा रोना शुरू कर देगा या ये होगा कि जो एक्टिविटी वो कर रहा था वो स्टॉप कर देगा ठीक है तो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में तीन आ जाते हैं मोरोज रिफ्लेक्स ठीक है कॉकली पलपेबरल रिफ्लेक्स और सिजेशन रिफ्लेक्स फिर आती है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स सिंपली के बच्चा जो है वो मदर की लैप में बैठा होगा और जो यहाँ पे डॉक्टर है या जो भी उसको एग्जामिनर है वो क्या करेगा कि डिफरेंट साउंड की चीज़ें जो है बच्चे के पास लेके आएगा और चेक करेगा कि बच्चा जो है वो किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है ठीक है मतलब कि हाई फ्रिकुनसी से लेके लो फ्रिकुनसी तक जो है वो विस्पर्ड साउंड हो सकती, हो सकती दिफर्ण 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 है जाइलोफोन हो सकता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज डिफ़रेंट जो डेसीबल्स की साउंडस होती हैं उनको हम बच्चे को सुनाते हैं और फिर देखते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट होता है कि नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से बोलेंगे तो एकदम से बच्चा उधर देखेगा इस तरह से ठीक है और कोई ज़ाल फ़न तो इस तरह से वो डिस्ट्रैक्ट होगा अपनी जो एक्टिविटीज एक्टिविटी है उससे फॉर एग्जांपल वो इस तरफ देख रहा था और हम यहाँ हम यहाँ यहाँ से थोड़ा सा चोट किया तो वो उस तरफ़ देखेगा ना एकदम से तो दिस इज एक्चुअली द डिस्ट्रैक्शन टेक्निक और ये एक्चुअली होती है एक और ये भी सिक्स टू सेवन मंथ्स के एज में हम कर सकते हैं ठीक हो गया जैसे आपको ये लग रहा है तकरीबन तो छः माह का बच्चा होगा देन वी हैव द विजुअल रे इन्फोर्समेंट ऑडियोमेट्री विजुअल री ऑडियोमेट्री क्या होती है ये देखें यहाँ पे एक मदर की लैब में उसी तरह बच्चा बैठा हुआ है और ये सिक्स मंथ टू टू इयर्स तक हम कर सकते हैं ठीक है सिक्स मंथ टू टू इयर्स के बच्चों में कर सकते हैं अब ये एग्जामिनर है और इसने जो है ना एक्चुअली कंडीशनिंग टेक्निक्स में हम आ गए हैं कंडीशनिंग आपने वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी होगी कि आदर डालना किसी चीज़ की और फिर उसके साथ उसको लिंक कर देना ठीक है तो इसमें भी हम यही करते हैं कि फ़ॉर एग्जांपल इधर हमने एक विजुअल स्टिमुलस रखा होता है और इधर हमने ऑडिटरी स्टिमुलस रखा होता है तो बच्चे को हम विजुअल uh, स्टिमुलस दिखाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये भालू इसके सामने लेके आएंगे तो ये इधर देख रहा होगा ठीक है और साथ ही हम इधर से जो है ना ऑडिट मतलब आ, ऑडिटरी स्टिमुलस देंगे फॉर एग्जांपल ये टीवी पे कार्टून ऐड ऑन कर देंगे ठीक है तो अब बच्चा जो है उसको पता चल जाएगा कि जब भी ये मेरे सामने भालू आता है उसी वक्त जो है ना ये टीवी पे कार्टून लगते हैं ठीक है तो उसके साथ वो कंडीशनड हो जाएगा तो अब फॉर uh, एग्जांपल मतलब इसके साथ कंडीशनड एक उसकी जो चीज़ आ जाती है ना उससे हम विजुअल री इन्फोर्समेंट ऑडियोमेट्री करते हैं कि विजुअल री इन्फोर्समेंट ऑडियोमेट्री के विजुअल विजन दिखा के कुछ हम जो है ना उसकी हियरिंग टेस्ट को चेक करें दिस इज़ एक्चुअली द थिंग और इसे आपने इस तरह लिखना है विजुअल री इन्फोर्समेंट ऑडियोमेट्री फिर होता है इसी तरह का एक चीज़ होती है ये देखें आपको जो अब बच्ची नज़र आ रही है ये तकरीबन दो से मतलब पाँच साल तक हम कर सकते हैं ये होती है प्ले ऑडियोमेट्री ठीक है इस पर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जब भी आपको साउंड सुनाई देगी ना तो आपने साथ ही क्या करना है कि ये पकड़ के ना ब्लॉक इसके अंदर रखना है ठीक है ये ब्लॉक इसमें रखना है जैसे ये आपको साउंड सुनाई देगी तो ऑब्वियसली जब उसे साउंड सुनाई देगी ये वाला ये जैसे यहाँ पे ड्रम बजा रहा है तो साथ ही वो क्या करेगी अंदर रखेगी ठीक है तो इस तरह से उसको हमने जो है सिखा देना होता है कि द चाइल्ड इज कंडीशन टू परफॉर्म एन एक्ट सच एज प्लेसिंग अ मार्बल इन अ बॉक्स पुटिंग अ रिंग ऑन अ पोस्ट जैसे यहाँ पे मार्बल इन अ बॉक्स रख रहा है या प्लास्टिक ब्लॉक इन द बकेट ईच टाइम ही हेयर्स द साउंड सिग्नल ठीक है जैसे ही आपको साउंड सिग्नल मिलेगा साथ ही आपने एक ब्लॉक जो है ये बकेट में रखना है और जैसे ही वो ऐसे करेगी ना साथ ही हमने उसको प्रेज़ करने इनक्रेज करने वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया है ठीक है आपने तो उसको ओपे किया जैसे हमने आपको कहा था तो इस तरह से हम जो है वो क्या करते हैं प्ले ऑडियोमेट्री करते हैं प्ले ऑडियोमेट्री ठीक हो गया उसके बाद आती है स्पीच ऑडियोमेट्री स्पीच ऑडियोमेट्री क्या होती है जस्ट लाइक हेयर हम डिफरेंट जो है इस तरह की चीज़ें इस तरह की जो है वो सामने रखते थे और हम उसको कहते हैं कि बियर अब जैसे उसको हम कहेंगे बी एड को बियर को जो है ना पॉइंट आउट करो तो वो साथ ही बियर के ऊपर उंगली रख देगी जैसे हम कहेंगे ब्रश तो वो ब्रश के ऊपर उंगली रख देगी जैसे हम कहेंगे बॉल तो बॉल के ऊपर रख देगी हम कहेंगे स्पून वो स्पून के ऊपर फिंगर पॉइंट पॉइंट आउट करेगी तो दिस इज़ एक्चुअली वॉट के पेशेंट जो है जो बच्चा है नॉट अ पेशेंट वो जो बच्चा है वो स्पीच सुन मतलब के मतलब कि ऑडियोमेट्री के थ्रू स्पीच ऑडियोमेट्री मीन्स दैट कि सुन के वो जो है ना एक्ट कर रहा है ठीक है तो इस तरह से मतलब हम उसको इस तरह की जो है इस तरह भी कर सकते हैं दूसरा ये होता है कि हम उसको आ, कहें कि जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उसको रिपीट करो लेकिन ये बच्चों के लिए ज़्यादा मज़े का काम होता है तो हम यही ज़्यादा कर रहे होते हैं स्पीच ऑडियोमेट्री ठीक हो गया और स्पीच uh, ऑडियोमेट्री हो गया जैसे यहाँ पे भी परफॉर्म किया जा रहा है स्पीच ऑडियोमेट्री हम उसको कहते हैं कि इसको मतलब uh, ये फॉर uh, एग्जांपल हम कहते हैं कैट तो वो कैट को हाथ लगाएगी इस तरह से ना सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट दिस इज़ द स्पीच ऑडियोमेट्री ठीक हो गया और ये भी ऑब्वियसली आपको छोटा बच्चा नहीं कर सकता ना इस तरह अब ये बच्चा ये बच्ची जो है तकरीबन तो पाँच साल की होगी तो फिर ही ये काम कर सकेगी उसको पता होगा कि बॉल क्या है तो ये क्या है वो क्या है अब को तो पता नहीं होगा इस वजह से हम स्पीच ऑडिमेट्री इन्फेंट्स में तो परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है फॉर एग्जांपल कि एक न्यू नेट है और वो पैदा हुआ है और आपने उसकी एग्जामिनेशन करनी है हीयरिंग असेसमेंट करनी है तो आप कभी भी उसमें जो है स्पीच ऑडिमेट्री नहीं करेंगे ठीक है ज़ाहिर सी बात है और अगर आप करेंगे लिखेंगे वहाँ पर तो ऑब्वियसली एग्ज़ामिनर कहेगा ये क्या है इसको तो पता ही नहीं है स्पीच ऑडिमेट्री क्या होती है ठीक है सो दिस इज़ अ थिंग यू हैव टूर यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट और फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल एक होता है ना जैसे मैं करते हैं लोग एग्जांपल देती हूँ मिलगरिंग करते हैं लोग के हम उनको ट्यूनिंग फोक टेस्ट से फॉर एग्जांपल हम कर रहे होते हैं ना सब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो उसमें हम कहते हैं ट्यूनिंग फोक टेस्ट से चलो बताओ तुम्हें तो ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि अब कम आ रही है तो वो मैं करेगा क्योंकि मुझे तो नहीं आवाज़ आ रही नहीं मुझे तो नहीं आवाज़ आ रही हालांकि उसको आवाज़ आ रही होगी तो इस तरह से वो जो है ना बहाने जाने भी खड़े होते हैं लोग इस तरह के और इसके अलावा ये होता है कि उसमें एग्जैक्ट हमें पता भी नहीं चलता ना मतलब फॉल्ट हो सकते हैं काफ़ी तो फिर हम क्या करते हैं कि हम ना ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स करते हैं ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स में फिर जो पेशेंट होता है उसको खुद कुछ भी नहीं करना पड़ता हम जस्ट एक डिवाइस से फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ डिवाइस इसे हम जस्ट कार पे लगा देते हैं और उसको जो है वो डिफरेंट आवाज़ें सुनाते हैं और वो फ्रीक्वेंसी वगैरह नोट हुई हो जाती है ठीक है मतलब कि हुई जो है ना डिटेक्ट ऑलमोस्ट हो जाती है तो दिस इज़ एक्चुअली द थे थिंग कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम हुदी जो है डिटेक्शन ज़्यादा कर रहे होते हैं ठीक है तो so, इसमें जो पहली चीज़ आती है दैट इज़ द दिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री ठीक है वो ईव रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री में दो तरह की आ जाती हैं एक इलेक्ट्रोकॉक्ोग्राफी होती है जिसमें हम इस तरह से अंदर जो है वो ये थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर होता है इसमें हमें टिम्पेनिक मेंब्रेन के थ्रू इलेक्ट्रोड्स पुट करने पड़ते हैं और इलेक्ट्रो मतलब कि कॉकलिया की जो एक्चुअली है सेंसिटिविटी उसको हम चेक कर रहे होते हैं इससे ठीक है ट्वेंटी डेसिबल्स के अंदर अंदर ये चेक कर रहा होता है तो इस वजह से ना ये थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर है और लाइक हेयर ठीक है ये भी सेम वही है इस तरह की हम यूज़ करते डिवाइस और फिर हम जो नोट कर लेते हैं सारा जो भी इलेक्ट्रोकोकलियोग्राफी कर, कर लेते हैं कर लेते हैं ठीक है इसके अलावा ऑडिटरी ब्रेन ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स होता है इसमें भी हम जस्ट ये होता है कि ब्रेन स्टेम जो होती है उसकी एक्चुअली चेक कर रहे होते हैं और जैसे हमने न्यू नट में किया था ना ए बी आर ये वही वाला होता है लेकिन इसमें होता है कि हम सिडेशन के अंदर भी चेक कर सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये फोर्टी डेसिबल्स तक चेक करता है और इस तरह से और उसके बाद आता है कि फोर्टी डेसिबल तक सुनना चाहिए उसको ऑटोकाउस्टिक इमिशंस होती हैं सेम उसी तरह आगे लिखी हुई हैं बुक में और उसमें फिर होता है इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री और इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री का आपको पता भी है मैंने पढ़ाया हुआ है आपको टिम्पेनोग्राम होता है इसको भी आप जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में लेते हो कि इसमें जस्ट आप टिपानोमेट्री कर रहे होते हो और फिर वो चेक कर लेता है सारा जो मसला वगैरह होता है ठीक हो गया तो दिस वॉज अ थिंग और इसके अलावा कौस्टिक रिफ्लेक्स होता है और वो एक्चुअली होता है स्टपीडियस मसल का जब भी हम कोई लाउड साउंड सुनते हैं ना जो स्टपीडियस मसल कन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो लाउड साउंड है वो हमारे इनर ईयर तक ना जाए उसको डैमेज ना करे ना तो वो काउस्टिक रिफ्लेक्स होता है एक्चुअली वो नॉर्मल हियरिंग में भी टेक पार्ट कर रहा होता है तो अगर उसको भी हम इसमें चेक कर रहे होते हैं ठीक है तो सिंपल ये थोड़े से टेक्निक्स थे और आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए एंड यू हैव टू राइट दम इन यूर एसिक्यूज़ एज द जैसे मैं आपको इसका मोनिक बताया है और इसके अलावा जो आपने बता देना उसमें कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स में ए बी आर ओ ईज़ होती हैं अराउजल टेस्ट होता है और ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल होता है सारे ए होते हैं और बी एवियर में मॉडल्स होता है कॉक्रियपल पेबरल रिफ्लेक्स और सीजेशन रिफ्लेक्स होता है और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं सिक्स टू तो एटीन मंथ्स में परफॉर्म कर रहे होते हैं और जो कंडीशनिंग टेक्निक्स हैं वो सेवन मंथ से टू इयर्स तक हो सकती हैं जिसमें हम विजुअल रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री कर रहे होते हो और प्रे प्ले ऑडियोमेट्री होती है जो कि टू टू फाइव ईयर्स में होती है ठीक है और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं उसमें ए बी आर है ओटोकोस्टिक उत, मिशन हैं उसी तरह ऑडियोमेट्री है तो इसमें से स्क्रीनिंग टेस्ट टू द हियरिंग प्रॉब्लम इन द नियोनेट्स कौन सा होगा बैरा होगा ना अच्छा बेरा जो होता है इसका दूसरा नाम ए बी आर होता है जो हमने डिस्कस किया है ना अभी ये जो है ऑडिटरी ब्रेन रिस्पॉन्स इसका दूसरा नाम बैरा होता है तो ये भी आपने याद रखना है ऑटोकोस्टिक तो मिशंस भी होती हैं लेकिन बेटर जो है ये ही होता है तो आपने एम सी क्यूज़ के लिए ये बुक पे नोट कर लें कि इसमें सिर्फ बैरा या ए बी आर जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है ठीक हो गया ग्राफ टेकन फ्राम द मेगो प्लास्टी टेकन फ्राम तो ये आपके जो है ना पेज नंबर पर लिखा हुआ है फोर सिक्सटी थ्री ठीक है फोर सिक्सटी थ्री पर लिखा हुआ है पोजिशन uh, में के uh, सुपाइन पोजीशन हम रखते हैं और उसके बाद ग्राफ मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं उसमें टेम्पोरल टेम्पोरेस फेशिया होता है एरियोलर फेशिया होता है पेरिकॉन्ड्रियम होती है जो हम ट्रेगस से लेते हैं कार्टिलेज हो सकती है वेन हो सकती है पेरी होती है लेकिन जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ द टेम्पोरेस फेशिया ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा टेम्पोरेस फेशिया जो चीज़ें पढ़ा दी हुई दूँ मैंने वो दोबारा नहीं पढ़ा रही मैं और जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई हुई वो मैं पढ़ा रही हूँ अगर किसी ने इज़ नेक्सपोज टू ऑबियसली दिस इज़ एक्चुअली द जनरल uh, क्वेश्चन और इसमें ये होता है कि इनर uh, ईयर की मेलफॉर्मेशन जो है वो किस किस चीज़ से हो सकती है और ये आपके चैप्टर नंबर नाइनटीन में ही है वन ट्वेंटी नाइन पेज पे है ठीक है वन ट्वेंटी नाइन पेज पे लिखा हुआ है कि मैं आपको पढ़ पढ़ के बता देती हूँ उस पर लिखा हुआ है कि मेटर्नल फैक्टर्स होते हैं हमारे हियरिंग लॉस करवाने में जिसमें होता है हमारे आ, जो है इन्फेक्शन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती हैं ड्रग्स हो सकती हैं रेडिएशन्स हो सकती हैं दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं इन्फेक्शन कौन से हैं टॉर्चेस हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हम टॉर्च इन्फेक्शन्स होते हैं जो कि होते हैं टी फॉर टॉक्सोप्लाजमोसिस ओ फॉर वी हैव द एक्चुअली द ओ फॉर होता है ओ uh, फॉर uh, अच्छा रुबेला होगा रूबेला को हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं और सैटोमेगलो वायरस होता है हर्पीज़ वायरसेस होते हैं ठीक है और स्टिफलिस होता है स्टिफलिस पीस में आ जाता है तो इस तरह से नुमाने को उन्होंने बनाया हुआ टोकजो प्लाजमोस और रूबेला और सैटोमेगलो वायरस और हर्पीज़ वायरस ठीक हो क्या तो so, उसके बाद जो है ना इसमें आता है ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती हैं वही आपको पता है कि इस पर वी हैव द माइनोग्लाइकोसाइड ठीक है और आपने पढ़ा हुआ ऑटोटोक्सिसी करवाती हैं जिसमें वी हैव द स्टेप्टोमाइसिन जेंटामाइसिन टोब्रामाइसिन अमीकासन क्वीन और क्लोरोक्वीन भी करवाती हैं जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं जो कि प्रेगनेंट वमेन अगर यूज़ कर ले तो वो हमारी जो है डैमेज करती है कॉकलिया को ठीक है और थैलीडोमाइड होती है जो कि इन लिखी हुई है वो भी करवाती है हमारी लिम्स वगैरह की भी साथ में इन्वॉल्वमेंट और रेडियशंस हो सकती हैं मदर को जो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर उनसे हो जाए और दूसरे फैक्टर्स में यह है कि मदर में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी है डायबिटीज़ है टोक्सिमिया है ऑफ प्रेगनेंसी थरॉयड डिफिशेंसी है या मे मेटर्नल अल्कोहलिज्म सारे जो हैं टेराटोजेनिक होते हैं ठीक है तो एज अ होल क्या है इन्फेक्शनस हैं रेडिएशनस हैं ड्रग्स हैं और वी हैव द अदर फैक्टर्स ठीक है तो रेडिएशन भी इसमें हैं जर्मन मीजल्स मीनो बैला भी है साइटोमेंगलो वायरस होता सारे हैं ठीक है मेलेग्नेट ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है इसके बारे में ये आपका यू क्यू भी बनता हो, होता है और इसके बारे में, में पढ़ा था कि एक्चुअली इसमें क्या होता है डायबिटीज़ जो लोग होते हैं उनको सूडोमनाज इन्फेक्शन हो जाता है ग्रैनोलेशन मिलती हैं बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है फेशियल पैरालस इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और मल्टीपल इसके जो है प्रॉब्लम्स होती हैं तो इट इज़ द इन्फेक्टिव कंडीशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्टिव कंडीशन है एक्सटर्नल so, ईयर की इन्होंने पूछा हुआ है तो so, उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि इसमें एक्चुअली क्या है इट इज़ द इन्फेक्टिड नहीं है इन्फ्लामेटरी कंडीशन है ठीक है इट इज़ द इन्फ्लामेटरी कंडीशन कॉज बाई द सुडोमनाज इन्फेक्शन ठीक है ये इन्होंने लिखा हुआ है उसके बाद फेशियल नर्व पॉलिसी हर केस में मिलती है नहीं ज़रूरी नहीं है कि फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो आ, मतलब कॉमन है लेकिन हर हर केस में तो नहीं होता ना तो ये भी नहीं होगा जो टिम्पेनिक मेम्रेन पॉफरेट होती है आ, नहीं टिम्पेनिक मेम्रेन इसमें पोफरेट सच नहीं होती और इसके अलावा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज़ दो ओनली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं इसमें हम जो है बाकी ड्रग्स भी हमारी होती हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होती है तो दैट इज़ नॉट द केस इसमें होता है कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्वीयर पेन ठीक है स्वेलिंग ऑफ मेटस ठीक है यहाँ के पेज नंबर फिफ्टी फाइव पर लिखा हुआ है सारा स्वेलिंग ऑफ मेटस एंड ग्रैनुलेशन टिशू हमें मिलता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सटूशिएटिंग पेन हो रही होती है और ग्रैनोलेशन टीशू मिल रहा होता है और सोडोमनास का एक्चुअली इफेक्शन होता है सारा हमें लिखना है टोटाइटिसक्स टर्ना अच्छा ट्रामेटिक पॉपरेशन ऑफ द ईयर ड्रम कहाँ पर होती है अच्छा उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि जो है अगर तो ट्रामा की वजह से हमारी ईयर ड्रम जो है वो फट जाती है ना तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है फोर्टी टू फिफ्टी डेसीबल का एस सच मुझे टॉपिक जो है ना वो यही मिला है कि ट्रॉमा की वजह से जो परफ्रेशन होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं लाइक like, बैरो ट्रामा हो सकता है एयर प्रेशर की वजह से या कोई पेन हम अंदर लगा रहे थे उसकी वजह से रपच्चर हो सकती है या ये हो सकता है ट्रोमेटिक रप्चर में कि मतलब डिफरेंट तरह से ये बैरिक मेमोरी ना रपच्चर हो सकती है परफ्रेट हो सकती है ना तो ट्रोमेटिक परफरेशन का ऐसा चीज़ सारी जो इनके ऑप्शनस हैं मुझे कहीं से नहीं बुक से मिले तो ये मुझे अब कन्फर्म नहीं है कि ये इसका क्या आंसर्स हैं इनके ना तो अगर किसी को पता है तो लेट मी नाव उसके बाद एक क्यूट एक्यूट टाइटस मीडिया जो होती है इसमें क्या होता है वो बता रहे हैं कि इज़ ओनली सीन इन दी डायरेक्टेड ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि ये इनमें ही हो बड़ों में भी हो सकता है इन्फेक्टिव साइनोसाइटिस इज़ द यूजुअल कॉज और फिर कह रहे हैं कि स्वेयर ओ टेलजिया इज़ द ओनली प्रेजेंटिंग सिम्टम ये तो नहीं होता और साथ में पेशेंट को फीवर वग़ैरह भी होता है एक्यूट मेस्ट्रोडाइटिस इज़ वन ऑफ इट्स कॉमनेस्ट कॉम्प्लीकेशन एंटीबैक्टीरियल थेरेपी अलोन कैन कॉज द कंडीशन तो इसमें से हो acute is one of the ये होगा एक्यूट मेस्टोडाइटिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉम्प्लीकेशन क्योंकि हो जाती होती है सबसे पहले जो मतलब कि अगर बात करें कि हो जाती है ना मतलब अगर पूरा कान भर गया हो तो फिर पीछे मैस्ट्रोइ की तरफ सारी इन्फ्लमेशन चली जाती है तो मोस्टली जो है ना ये होगा इसका तो बुक पे इसका ये लिखा हुआ है कि आ, सबसे पहले तो ये आ, लो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में होता होता है और इस्पेशली इन्फेंट्स और चिल्ड्रेन में होता है ठीक है लेकिन ये नहीं होता कि उनमें उनमें कॉमन होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन बाकी में नहीं हो सकता इसके अलावा रूट्स ऑफ इन्फेक्शन उन्होंने बताया हुआ है कि यू स्टेशन ट्यूब एक्सटर्नल ईयर वगैरह से हो सकता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स उन्होंने बताया हुए हैं कि रिकरेंट अटैक्स ऑफ द कॉमन कोल्ड अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड एक्टेक्ट्रा उसके बाद टॉन्सिल्स और एडीनॉइड्स से अगर इफेक्शन हो राइनाइटस या साइनोसाइटस हो नेजल एलर्जी हो ट्यूमर्स हो क्लेफ्ट पैलेट हो इन सब में जो है ना ये हो जाता होता है तो इस तरह एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई कि किन्फेक्टिव इंफेक्ट साइनोसाइटिस इज अ यूजुअल कॉज ठीक है ज़रूरी नहीं कि तो है कि पेशेंट को साइनोसाइटिस होगा तो फिर ये वैसे मतलब नॉर्मल फ्लू वगैरह के साथ भी हो रहा होता है स्पीयर उट, द ओनली प्रेजेंटिंग सिम्टम इसको अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं पेशेंट को कान में दर्द भी हो रही होती है फीवर भी हो रहा होता है और जो है सच उसकी जो है रेस्टलेस होता है डेफनेस होती है टेनाइटस होता है इस तरह की डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना तो आ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसका यही सिम्टम है ओनली प्रेजेंटिंग सिम्टम नहीं होता सो ही जो है ठीक है और फिर एंटीबैक्टीरियल थेरापी और लोन कैन कॉज दिस कंडीशन तो ये भी ऐसा जो है वो मैच नहीं हो रहा है इसके साथ तो इसका एक्यूट मेस्टोडाइटस ही होगा और हमें पता भी है कि एक्यूट मेस्ट्रोडाइटस जो होता है ये इससे होता है ये आपको पेज नंबर एटी फोर पर मिलेगा इन्होंने एटीआलॉजी लिखी हुई है एक्यूट यूजुअली कंपनीज और फॉलोज द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ठीक है सो ये आपने हम सी क्यू मार कर लेना है उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हम करते हैं इन केस ऑफ जोस्टर ऑटिकस इसका क्या आंसर होगा जोस्टर ऑटिकस हमने पहले भी डिस्कस किया था रैम से हैंडस एंड होता है और इसमें मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होती इसमें हमारी सेवंथ नर्व इन्वॉल्व होती है और जो एट्थ नर्व होती है वो इन्वॉल्व होती है ठीक है जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस और फेशियल नर्व की प्रॉब्लम आ रही होती है इसके अलावा एरपन्स अगर यूजली ऑन द मेटल स्किन ड्रम एंड द कॉन्कल रीजन हमने देखा था कि जहाँ जहाँ ये नर्व सप्लाई कर रही होती है वहाँ वहाँ बनती हैं सेंसोरिनरिंग लॉस इज ऑलवेज अ कम्प्लेंट ठीक है ज़रूरी नहीं है जो है इसकी वजह से यही हो ठीक है ये पेन इंडिकेट्स डीप इन्वेजन ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंटी वायरल ड्रग्स ओर द डिजीज तो सेंसोरियन न्यूर हेयरिंग लॉस होती है ये हमेशा कंप्लेन नहीं होती ठीक है और ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा और ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है एंटी वायरल ड्रग्स का था वैसे तो एंटी वायरल ड्रग्स में हम एक्स्ट्रा एनसाइक्लोवेस्ट एक दे रहे होते हैं लेकिन ये होता है कि उसके बगैर भी ये ठीक हो सकता है ठीक है मतलब कि क्योर द डिजीज़ नहीं है मतलब ये भी हो सकता है ना कि ये जा कर छुप के बैठ जाए और लेटेंट हो जाए तो इस तरह से एस सच जो एक्जैक्ट स्टेटमेंट बुक की बन रही है वो यही बन रही है कि इरपशन अगर यूजली ऑन द मेटल स्किन ड्रम एंड कॉन्का रीजन मतलब और मैंने बताया था कि कौका भी भी फेशियल ने उसे अप्लाई करी होती है ड्रम पे भी सप्लाई करी होती है मेटल की स्किन पे भी सप्लाई करी होती है तो वहाँ वहाँ जो है इप्शन हो जाएंगे ठीक है तो इस तरह से जो है वो आएगा हमारे पास उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये लॉगन टर्नर्स पता नहीं कौन सा रेफरेंस है सर कार्सिनमा ऑफ द मिडल ईयर तो मिडल ईयर का जो कार्सिनोमा है वो कहाँ पे आरइज करता है तो उसको देख लेते हैं तो इसमें देख लें कि पेज uh, नंबर आप खोलें वन ट्वेंटी थ्री ठीक है वो मुझे मिलेगा वहाँ पे कार्सिनोमा ऑफ द मिडल ईयर कार्सिनोमा ऑफ द मडल ईयर जो होता है इन्होंने लिखा हुआ इसकी इसकी एडियोलॉजी में कि इट इफेक्ट्स द एज ग्रुप ऑफ फोर्टी टू सिक्सटी ईयर्स ठीक है तो ये रॉन्ग हो गया उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि इसका जो कॉमन कॉज होता है वो यही होता है क्रोनिक इरीटेशन हो ठीक है क्रोनिक इरीटेशन होना जो होता है वो इसका कॉज होता है ठीक हो गया तो एस एच सी ओ से उनका इन्होंने कॉज वो नहीं लिखा हुआ ठीक हो गया उसके बाद वो कहते हैं कि ट्यूमर पॉलीपॉइडल पोलिपॉयल पॉलीपॉइडल -पॉली -पॉली हमें फ़ील होता है अब इसके क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाएँ तो उन्होंने लिखा हुआ है पेशेंट जो है उसको लग रहा होता है कि क्रॉनिक सपोरेटिवटाइटस मीडिया है मतलब ये सारे फ़ीचर्स जो आ रहे होते हैं ये क्रॉनिक सपोरेटिवटाइटिस मीडिया के आ रहे होते हैं और अगर हमें फोर्टी टू सिक्सटी ईयर्स ऑफ एज में कोई क्रॉनिक सपोरेटिटाइटिस मीडिया का पेशेंट आ जाता है मतलब मतलब ऐसा पेशेंट आता है कि हमें लग रहा होता है इसको क्रॉनिक क्रोनिक सपोरेटिटाइटिस मीडिया है तो हमने उसको जो है सपीशन ऑफ मिलगनेंसी कंसडर करना है ठीक है क्योंकि एज में सी एस ओ एम जो होता है वो हमने सस्पेशन रखना है ठीक है क्यों हमें उसमें देखना है कि फाउ स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रही होगी क्रोनिक ठीक है जब वो और उसके अंदर से ब्लड भी आ रहा होगा ठीक है इसके अलावा पेन विच इज़ यूजली स्वियर बहुत ज़्यादा पेन होती है और पेशेंट को रात के टाइम पेन होती है इसमें ठीक है और फेशियल पाल्सी होती है इसमें और इसके अलावा बता रहे हैं कि हमें जो ट्यूमर नज़र आता है वो फ्राइबल नज़र आता है हेमोरेजिक ग्रैनोलेशन नज़र आते हैं या पॉलिप्स जैसे वो हमारा था सी ओसेम उसी तरह ग्रैनोलेशन पॉलिप्स नज़र आ रहे होते हैं तो अपेयरेंस ऑफ और इंक्रीज इन हेयरिंग लॉस और वटाइको ठीक है मतलब कि हेयरिंग लॉस और वटाइको भी पेशेंट को साथ में फोड़ा हो होता है तो एज ऐसा चीज पोली पोइड ऑन द ग्राफ जो है ग्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं है ये पॉलिप्स या ग्रैनुलेशन जो है इसमें जस्ट हमें मिल रही होती है तो ऐसा जिस तरह का कोई फीचर नहीं हमें नज़र आया इसके अलावा वो बता रहे हैं कि ब्लड स्टेंड जो है ये हमने अभी पढ़ा है कि ब्लड स्टेन जो है फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा होता है पेन हो रही होती है फेशियल पॉलिसी जो होती है ये यूजुअल कंप्लेंट्स होती हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपकी सेम ऐसे लग रही हैं जैसे ना क्रॉनिक मीडिया मिली लेकिन ब्लड आ रहा है और फेशियल नर्व की पॉलिसी हुई हुई है तो एस सच थोड़ा सा हम इसको ये यूजल कंप्लेंट्स होती हैं ठीक है उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ़ चॉइस तो इसके ट्रीटमेंट में इन्होंने जो बुक पे लिखा हुआ है वो वे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी एंड रेडियो अगर हम करें तो इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं सर्जरी में हम रेडिकल मैस्टोडेक्टमी करते हैं या सब टोटल और टोटल सेक्टमी करते हैं मतलब पिट्रोसाइटस मतलब तो पिट्रस जो होते हैं उसको निकालते हैं डिपेंडिंग अबॉन द एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर तो ये है कि हम सर्जरी और रेडियोथेरेपी इकट्ठा कर रहे होते हैं उन्हें बताया कि रेडियोथेरेपी अगर हम अक, अकेली करें तो उसको पहली एटिव देते हैं मतलब कि बिल्कुल जब ट्यूमर मतलब बहुत प्रोग्रेस कर गया हो मतलब क्रेनियल से चला गया और फिर हम रेडियोथेरेपी अलोन करते हैं ठीक है अदरवाइज रेडियोथेरेपी प्लस सर्जरी जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है इन द स्टार्ट और बाद में रेडियोथेरेपी होता है ठीक है तो ऐसा ट्रीटमेंट ऑफ़ चॉइस भी उन्होंने बुक में नहीं लिखा हुआ तो ये ट्वेंटी वन तक हो गया हम नेक्स्ट पार्ट से ना आगे करते हैं